सोशल मीडिया के इस दौर में क्रांति की आग भी बहुत तेजी से फैलती है और नफरत की आग भी, लेकिन नेताओं को ये बात कहाँ समझ में आती है। अब हिंदुस्तान में महबूबा मुफ्ती को ही लीजिए, उनके बयान अक्सर विवाद खड़े कर देते हैं। उन्होंने फिर मुस्लिम राग अलापना शुरू किया है। मान के चलिए अगले 24 घंटे में उनका ये बयान एक नई कॉन्ट्रोवर्सी में का इजाफा कर रहा है। आइए देखते हैं। ये तस्वीरें शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद के अंतिम विदाई से ठीक पहले की हैं, जिन्हें आतंकियों ने कल श्रीनगर के लाल बाजार में गोली मार दी। ये चीख ही आज जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करेगी, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती का ये बयान सुन लीजिए। अब हमारे पास क्या बचा है? अपना आप ही बचा है ना, अपनी शिनाख्त बची है ना, कि कोई है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई टोपी लगाता है, कोई लड़की जो है हिजाब करती है, हमारी जबान है। तो अगर हमने इसका मुकाबला नहीं किया तो हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा। अगर महबूबा मुफ्ती ने इन चीखों को सुना होता तो शायद वो मुसलमानों के वजूद पर खतरे का डर दिखाकर दिल्ली की ओर इशारा न करती और अपनी राजनीति न चमकाती। हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा, हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा, हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा। राजनीति में कुछ डर जानबूझकर पैदा किए जाते हैं और महबूबा मुफ्ती भी वैसा ही कर रही हैं। और नफरत का बीज बोने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी पीछे नहीं है। 2020 में इसका बेटा मारा गया था, वो मिलिट्री ने मारा था, और आज अफसोस इस बात का है, इसको मिलिट्री से मार डाला है। ये दोनों जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं, मगर काम भड़काने का कर रहे हैं। महबूबा डरा रही हैं तो फारूक अब्दुल्ला सेना और आतंकियों को एक तराजू में तोल रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं बोल रहा। दोनों में से कोई भी ये नहीं बता रहा कि घाटी में मुसलमानों को असली डर आतंकियों से है, मुसलमानों को असली खतरा भावनाएं भड़काने वालों से है, मुसलमानों को असली खतरा कन्हैया लाल और उमेश कोहले के हत्यारों से है, मुसलमानों को असली खतरा सेना और आतंकियों को एक नजर से देखने वालों से है। यह अंतर जब तक घाटी के लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक सियासतदान अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे और बार बार करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।